आईसीसी वर्ल्ड टी20 के लिए सभी टीमों ने कमर कस ली है और आज इंडिया और पाकिस्तान के बीच प्रैक्टिस मैच होने वाला है। इस चैंपियनशिप से जुड़ी तमाम खबरों के साथ मैं गुंजन ग्रोवर आपके सामने हाजिर हूं और मैं लेकर आई हूं 20 का टेस्ट। जब सचिन की बात चली है तो एक खबर और, मैदान पर मसीहा के रोल में नजर आने वाले सचिन मैदान के बाहर भी इसी रोल में दिखे। मुंबई में बेसहारा बच्चों से मिलने पहुंचे सचिन ने उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाया। मास्टर या मसीहा, या कभी मास्टर और कभी मसीहा, या फिर मास्टर क्लास मसीहा, शायद सचिन के लिए यही नाम सबसे सटीक है। वो मसीहा हैं क्योंकि उनके पास है मुश्किलों से उबारने का मंत्र। बरसों से टीम इंडिया की जर्सी में वो यही तो करते रहे हैं। वो मास्टर हैं क्योंकि उनके पास दुनिया को सिखाने के लिए बहुत कुछ है। वो मास्टर क्लास मसीहा हैं क्योंकि उनका आभामंडल सिर्फ क्रिकेट मैदान तक सीमित नहीं है। सचिन सिर्फ तभी मास्टर स्ट्रोक नहीं लगाते जब टीम इंडिया मुश्किल में हो, वो समाज की मुश्किलों के वक्त भी मसीहाई चेहरा दिखाते हैं। आतंकवादी हमलों से घायल मुंबई के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए मैच विनिंग पारी खेल डालते हैं और फुर्सत मिलते ही उन बच्चों को खाना परोसते दिखते हैं जिनके लिए 2 जून की खुराक का जुगाड़ भी मुश्किल है। सचिन ऐसा बार बार करते रहे हैं। Believe me, somebody who could not stand on his own, the moment he saw my cricket bat, there was something he was dying to do. He somehow managed to stand with the help of my cricket bat and ended up playing couple of cricket balls. बकौल सचिन, बेसहाराओं को सहारा देने की खूबी उन्होंने अपने पिता से विरासत में पाई है और अब उनकी पत्नी और बच्चे भी इसी रास्ते पर चल रहे हैं। Is there anything that I need? But if you can instead of giving me presents, if you can give me money, I can take that money and do something with that money. And what she did was, she organized a fun fair for poor children in Bhiwandi, Shivajinagar, and it was a wonderful afternoon for the underprivileged ones. And I felt I was at that time I was the proudest father. अमूमन अपनी खूबियों पर बात करने से बचने वाले सचिन ने ये कहानियाँ शायद यही बताने के लिए सुनाई हैं कि मदद का जज्बा भी कड़ी की तरह आगे बढ़ता है और बेसहाराओं को ऐसी कड़ियों की खासी जरूरत है। और चलिए सत की नजरें होंगी आज के इस मैच पर। उम्मीद यही रहेगी भारतीय फैंस को कि भारत की टीम यहां पर जीत दर्ज करे। 2020 से जुड़ी तमाम खबरें आप देख सकते हैं 20 का टेस्ट में। लेकिन फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए दिल्ली आज तक।